तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए हैं ऐसे कैफ़े में जो जल्दी लोकल से इंटरनेशनल होने वाला है। तो ऐसा क्या है इस कैफ़े में, चलो चल के देखते हैं और यहाँ का फूड रिव्यू करते हैं और चलते हैं वीडियो में आगे। तो फाइनली दोस्तों मेरे साथ हैं मद्रास कैफ़े के ओनर। तो सबसे पहले हेलो हेलो। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको इस कैफ़े को रन करते हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को इस कैफ़े को रन करते हुए 25 इयर्स हो गया है। कैफ़े कहाँ से सिचुएटेड है? हाँ जी, ये मेरा कैफ़े नोएडा अथॉरिटी में है, सेक्टर 6। ये DND से बहुत पास है। जैसे हमारे दिल्ली के कस्टमर हैं उनको भी जैसे कभी आने का मन है, यहाँ पे खाने का मन है, साउथ इंडियन टेस्ट करना है उन्हें अच्छा, तो मुश्किल से DND से यहाँ पे आने में 5 मिनट का रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। तो फूडीज़ मैं खुद दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे एक्सप्लोर करने भाई का कैफ़े, और मुझे किसी ने सजेस्ट किया था यहाँ पे साउथ इंडियन फूड है जो कि काफ़ी सुपर टेस्टी है। कोई स्टार्ट करना चाहता है अपना कैफ़े या रेस्टोरेंट तो क्या 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसे ध्यान में रखनी चाहिए? पहली चीज़ है तो हमें हाइजीन रखना चाहिए, हमें अपना कैफ़े बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि टेस्ट जैसे बहुत सारे कस्टमर आते हैं वो अपना कस्टम भी बनाना चाहते हैं, मतलब कस्टमाइजेशन के फुल ऑफर है। हाँ बिल्कुल, जैसा आप चाहें बिल्कुल वैसा बना के दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? समझ सेटिस्फेक्शन सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो पहला पॉइंट जो भाई का था हाइजीन, तो हाइजीन तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी साफ़ एरिया है, आप देख सकते हो नोएडा अथॉरिटी में बिल्कुल, और काफ़ी क्लीन जगह है यहाँ पे, तो हाइजीन तो आपको मिलता है यहाँ पे। और सेकंड पॉइंट था आपका टेस्ट का तो मैं अभी टेस्ट करके बताऊंगा कि टेस्ट है कैसा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो अगर टेस्ट बढ़िया होगा तो कस्टमर सेटिस्फाइड अपने आप हो जाएगा। तो चलो हम करें टेस्ट आपको, बिल्कुल तो चलते हैं फूड टेस्ट करने। भाई बताओ अपनी डिशेस के बारे में थोड़ा बहुत। ये वड़ा है, ये वड़ा हमारा उड़द दाल का बनता है, ठीक है। ये चीज प्लेन है, इसके अंदर थोड़ा सा चीज है, ठीक है, और बाकी प्लेन है वो। ये ऑनियन मसाला है, इसके बाहर से ऑनियन डाल रखा है और अंदर इसका मसाला है, ठीक है। और ये ऑनियन उत्पम है, इसमें ऑनियन है और कड़ी पत्ता है और कैरेट है। तो जिससे तो फुली लोड हो रखा है, तो सबसे पहले हम वड़ा ट्राई करते हैं, ठीक है। क्रिस्पी सा लग रहा है क्योंकि हम बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं ना, तो बढ़ेगा और काफ़ी क्रिस्पी है और थोड़ा दाल से बना है। हाँ तो ये सारा सूप कर ले रहा है सांभर हमारा। अब मैं ट्राई करूंगा इसको नारियल की चटनी के साथ। तो नारियल की चटनी में ये हमारी रोस्टेड चिली डली हुई है और ये मस्टर्ड सीड्स है। काफ़ी फ्रेश लग रही है अपनी चटनी, नारियल की चटनी, और काफ़ी क्रीमी है, तो अच्छा टेस्ट आ रहा है वड़े के साथ। और ये आप बातें हम ऑनियन उत्पम में। दोस्तों वेजिस से फुली लोड है, वेजिस की कमी नहीं बिल्कुल, काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है, सुंदर सा। ट्राई करते हैं ऑनियन उत्पम। सूरज भाई काफ़ी बढ़िया था, जेन्युइनली काफ़ी बढ़िया था ये ऑनियन उत्पम। अब मैं इसको एक बार नारियल की चटनी के साथ भी ट्राई करता हूँ। जब से आपने ओपन किया एक ही शेफ है आपके? हाँ शेफ एक ही है, बिल्कुल एक ही है। टेस्ट भी तभी कंसिस्टेंट होगा आपका, है ना। इसके साथ भी काफ़ी क्रीमी सा टेस्ट है और इसका चटपटा सा आ रहा है, जो सॉल्ट डाली और बाकी वेजीज है ना, तो काफ़ी बढ़िया। करते हैं हम साइड और बाकी हमारी लास्ट बची 2 डिशेज को ट्राई करते हैं। सब ट्राई करते हैं हमारा ऑनियन मसाला, और काफ़ी देखो ट्रायंगुलर शेप है और काफ़ी वेजीज से फुली लोड है, इतनी वेजीज है कि साइड में भी गिर रखी है। अब करते हैं ट्राई करूँगा सांभर के साथ, और बाकी टेस्ट तो बढ़िया हो रहा है। ऐसा नहीं है कि तीनों चीज़ें सेम लग रही है, तीनों में अलग अलग फ्लेवर है। सबका अलग अलग टेस्ट है, सबका अलग अलग फ्लेवर है, और क्रिस्पी है, काफ़ी क्रिस्पी है, क्रिस्पी और सॉफ्टनेस काफ़ी बढ़िया है। लास्ट में आपसे सांभर का रिव्यू भी लेना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सांभर है, ये नहीं कि ओवर हो रखा है, कम हो रखा है, मतलब परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बैलेंस बना रखा है। और मैंने कई बार देखा है बाकी रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, कैफेज में क्या होता है, बिल्कुल पानी बना देते हैं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। फ्लेवरफुल तो काफी है, नेशनल स्टैंडर्ड दे रहे हो टेस्ट में है बिल्कुल, तभी इंटरनेशनल का भी सोच सकते हैं। इंडिया में खाओ या बाहर खाओ, देखो टेस्ट तो ये बिल्कुल सेम देंगे। हाँ तो आपको आ जाएंगे बजट एक चीज प्लेन डोसा, बट मैंने आज तक ट्राई नहीं करा, तो आप करते ट्राई। ट्विंकल किया हुआ है ये चिली फ्लेक्स वगैरह, चिली फ्लेक्स वगैरह है, तो पूरा पिज्जा की तरह टेस्ट देने के लिए, थोड़ा अच्छा पिज्जा की चीज की तरह टेस्ट है। तो देखो इसमें चीज है, ओरिगानो है और चिली फ्लेक्स है। अब इसे ट्राई करते हैं हमारे सांभर के साथ।
बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट है, सारी चीजें परफेक्ट थी और यूनिक थी, ऐसा नहीं लग रहा था कोई भी फ्लेवर ओवर पावर कर रहा है किसी फ्लेवर को, ठीक है, बढ़िया था एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। और आप क्यों बैठे हो दोस्तों, आप भी आओ और ट्राई करो यहाँ का फूड जल्दी से। और लोकेशन तो भाई ने आपको बताई थी, एक बार फिर बताएंगे आप? लोकेशन है नोएडा सेक्टर 6 अथॉरिटी। तो आओ जल्दी आओ, इससे पहले दुबई में ओपन हो उससे पहले आप यहाँ पे आके ट्राई करो, और जैसे आप ट्रैवल करोगे तो आप दुबई में भी सेम टेस्ट पाओगे। तो टेस्ट तो एकदम बढ़िया था, थैंक यू सो मच कैफे में इनवाइट करने के लिए। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, प्लीज़ यहाँ पे आके एक बार विजिट करो, मैं बुलाता हूँ अपने दोस्तों को और इसी करते हैं हम फिनिश। आ जाओ भाई, आ जाओ नोएडा में, मैंने लगता है कहीं नहीं खाया है इस टेस्ट को। हम कर देते हैं इसे फिनिश और आप भी एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।